सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माई चैनल। तो हॉनेस्टा का न्यू अपडेट आ चुका है, आप लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया और डाउनलोड भी कर लिया और यूज़ भी कर रहे हो। लेकिन सिमिलर कमेंट सबका यही है कि iOS इमोजी वर्क नहीं कर रहा, iOS फॉन्ट वर्क नहीं कर रहा और राउंड स्टोरी अभी भी इनेबल नहीं हो रही है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि राउंड स्टोरी प्रॉपरली कैसे ऐड करनी है और iOS इमोजी विथ iOS फॉन्ट कैसे स्टोरी के अंदर यूज़ करना है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से राउंड स्टोरी भी ऐड होगी, iOS इमोजी भी ऐड होगे और iOS फॉन्ट भी ऐड होगे। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप लोग कमेंट में आके यही बोलोगे कि मेरे अंदर ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा, वीडियो फेक है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपको बता देना चाहता हूँ कि कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ या फिर आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके जल्दी आ जाऊँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गाइस, आपको हॉनेस्टा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल देना है। हॉनेस्टा ऐप तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा गाइस, तो सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन करोगे, तो हम आज बात करेंगे कि iOS फॉन्ट, iOS इमोजी और राउंड स्टोरी कैसे ऐड करनी है। तो सिंपली गाइस, आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है DEV और डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑन करोगे, हॉनेस्टा एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है, वापस उसको ओपन कर लेना है और फिर होम वाला आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको। और यहाँ पे गो टू डेवलपर पेज पे चले जाना है, मेटा कंसेंट सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ऊपर सर्च करना है क्लिप वीडियो स्टिकर। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यही ऑप्शन को ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ रखना है। उसके बाद सिंपली गाइस, कुछ नहीं करना है, फिर से सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर थीम एंड यूआई के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर इमोजी टाइप है, उस पर सिंपली टैप करना है आपको। और यहाँ पे फ्रॉम लोकल स्टोरेज है, वहाँ पे सिंपली टैप करना है। तो ऑलरेडी मैंने फाइल दे दिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका फाइल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऊपर से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद सिंपली बैक आ जाना। उसके बाद नीचे ऐप फॉन्ट होगा, उस पर सिंपली टैप करना है और यहाँ पे फ्रॉम लोकल स्टोरेज में चले जाना है। यहाँ पे वही फाइल में आपको मिल जाएगा, तो iOS ऐप बोल्ड फॉन्ट है, उस पर सिंपली टैप करना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ऐड स्टोरी फॉन्ट है, उस पर सिंपली टैप करना है। यहाँ पे टैप करोगे तो फ्रॉम लोकल स्टोरेज है, वहाँ पे जाना है और उसी फाइल में आपको iOS स्टोरी के फॉन्ट भी मिल जाएगा। तो सिंपली टैप करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कोई भी रील को हम अपनी स्टोरी में ऐड करेंगे, तो ये रील को हम अपनी स्टोरी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्टोरी राउंड एक तो नहीं हुई, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपके लिए 11 ऐसे रेम्बो PNG फ्रेम लेके आया हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी एकदम कूल है। तो इसको सिंपली किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना कूल लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो राउंड स्टोरी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब iOS फॉन्ट की बात करते तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS के फॉन्ट अवेलेबल है, यहाँ पे डन कर दिया मैंने। यहाँ पे iOS फॉन्ट भी सही तरीके से वर्क करे, बोल्ड फॉन्ट भी आपको दिखा देता हूँ एंड हाँ, विथ इमोजी वर्क करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो सभी फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल है iOS के और यहाँ पे सही तरीके से वर्क कर रहे। उसके बाद यहाँ पे इमोजी भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमोजी भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे। तो गाइस, ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, बिल्कुल प्रॉपरली इसी तरीके से आपको सेटिंग करना है और जो भी फाइल मैंने दिया है उस फाइल को सिंपली आप लोग मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से ऐड करना है। और हाँ गाइस, इस फाइल को कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके साथ आपको फाइल भी मिल जाएगा और iOS इमोजी भी मिल जाएगी। तो पूरा फाइल आप लोगों को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करना है वो भी ट्रिक में आपको बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ पर सिंपली आपको टैप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो ऊपर 3 डॉट है, उस पर सिंपली टैप करना है पहले और ओपन इन क्रोम कर लेना है। तो सिंपली ओपन इन क्रोम करके आपको गो टू लिंक पर टैप करना है, उसके बाद आपके सामने 2 स्टेप आ जाएगा। तो सिंपली पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद सिंपली नीचे गेट योर लिंक का ऑप्शन आएगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वही लिंक पे जाना तो आपको गेट योर लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे उस लिंक पे जाके आप लोग फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो और iOS इमोजी भी डाउनलोड कर सकते हो और राउंड स्टोरी का फ्रेम भी डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।